जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनवंतरा के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आप सोच रहे हो मैं मोबाइल में बिजी हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जी नहीं, मोबाइल में बिजी हूँ, बट उसके साथ ही आज ना KVS का एक जो गेस्ट टीचर इंटरव्यू है वो हुए हैं, उसमें जो बच्चों के साथ हुआ है तो बच्चों ने उसके लिए बोला थैंक यू सो मच कि सर आपने इस इंटरव्यू के लिए बोला। और यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें ना इंटरव्यू में आज क्या हुआ कि जहाँ पर गए तो इन्होंने रिटन एग्जाम भी लिया, बट रिटन एग्जाम क्योंकि आप लोगों का तो हो गया, अब आप तो तैयारी के इंटरव्यू की, तो सवालों का जो रुक रहा है, सवाल जो पूछे गए हैं उसमें जैसे नॉर्मल आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे गया, और एक बहुत बेहतर सा सवाल है कि टीचिंग फिलोसफी क्या है, मतलब आपका क्या टीचिंग को आप किस तरीके से किस नजरिए से देखते हैं, या आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, आप कैसे बच्चों के साथ टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ एक सवाल ये है कि हाउ यू विल इंट्रोड्यूस अ टॉपिक ऑफ EVS इन क्लास 3, मतलब आ टॉपिक का मतलब कि कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाना है, इट डजंट मीन कि भाई वो भी आपको दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो भी आपकी मर्जी क्लास 3 EVS का टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए बोलेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या भाई कि कुछ ये सवाल के जैसे मैथ से पूछ लिए गए हाउ यू इंट्रोड्यूस डिवीजन, तो डिवीजन कैसे किया जाए। एक सवाल ये है कि कुछ नेचुरल नंबर है उनको आप कैसे सोल्व करके दिखाएंगे। और उसके बाद एक सवाल है कि वन केस स्टडी की, कोई भी आप एक केस स्टडी जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है बिल्कुल स्पेशल चाइल्ड, आप उसके साथ कैसे हो करेंगे। इसके अलावा FLN के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, FLN के अलावा जो बेसिक 3 R ऑफ FLN है वो है, और आपसे पूछा गया है कि आपने इस फील्ड को क्यों ऑप्ट किया गया। इसके अलावा कुछ दूसरे बच्चों का भी मैसेज आया जिन्होंने इसके बारे में बात करी, उन्होंने बताया इस पे गया। हाँ, उसने जब आपसे पूछा था यहाँ पर क्या है कि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए गए थे। इसके अलावा आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर कि आपसे पूछा गया है ये कि भाई क्या पूछ रहे हैं, हाँ हिंदी में और इंग्लिश में कुछ सिनोनिम्स पूछ लिए गए थे आपसे। पेडागोजी में कॉमन था FLN का फुल फॉर्म पूछा गया, FLN अप टू विच क्लास पूछा गया, टीचर रेशो पूछा गया, एक टेस्ट लिया गया। तो जो हम तैयारी कर रहे थे, जिस तैयारी के साथ हम जा रहे हैं, देखिए मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट वाला ये इंटरव्यू था इसके लिए मैंने आपको इसलिए बोला था 9 तारीख में भी, और चल ही रहे हैं, तो आप जो भी जा सकते हैं प्लीज जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक रियल फीडबैक आपको देखने को मिला है किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जरूर जरूर जाइएगा। ये आज का फीडबैक था, अगर कल भी कोई फीडबैक आता तो आई विल शेयर, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं कल इंटरव्यू है कि नहीं, बट 9 तारीख का मुझे कंफर्म रहेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलूँ कि अगर आप ये एग्जाम दे के जा चुके हैं और आपको लगता है तो प्लीज जरूर जरूर जाइएगा इस आप लोग। बाकी आपके लिए हमने भाई इंग्लिश में कुछ इश्यूज आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि इंग्लिश कैसे, इंग्लिश का सामना कैसे करेंगे, तो हमारे साथ कंचन मैम जुड़ेंगी इंटरव्यू सेमिनार में, KVS सेमिनार में, इस 5 तारीख को दोपहर 12 बजे। तो 12 बजे एंट्री फर्स्ट कम फर्स्ट है, क्योंकि अगर हॉल फुल हो गया तो फिर उसके बाद आपको दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा जो भी है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को 12 बजे से पहले पहुंचा दीजिएगा इस स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन मार्क के लिए जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ऑनलाइन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर बैठ के रहें, बट यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो इंग्लिश के बेसिक्स क्वेश्चन जो जैसे आज पूछे गए हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे मैम के साथ, और आपको मिलेगा धनवंतरा की इंटरव्यू टीम भी। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिएगा, और अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट और पॉजिटिव रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।